और दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा नाम है विजय और न्यू गैजेट्स यूज के न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज हम जो है काफी टाइम से रियलमी X7 सीरीज का जो है वेट कर रहे हैं और आज जो है फाइनली मिस्टर माधव सेठ और रियलमी ने ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया है कि हम जो है यहाँ पे अपने रियलमी X7 सीरीज को जो है 4 फरवरी को जो है लॉन्च करने वाले हैं। हम जो है ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से वेट कर रहे हैं, इतना वेट रियलमी X7 सीरीज ने तो अपन को जिला ही दिया, लेकिन फाइनली गाइज अब जो है 4 फरवरी जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बेसिकली जो है X7 सीरीज के अंदर जो है 2 फोन लॉन्च होंगे, Realme X7 एंड Realme X7 Pro। डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। गाइस अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है मिस्टर माधव सेठ ने जो है ये बोला था Realme X7 का जो है कलर कैसा है, मतलब कुछ है कुछ इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और ये है इनका पोस्ट जहां पे हमें पता लग पाया था कि जो चाइना में Realme V15 लॉन्च हुआ था वो इंडिया में जो है Realme X7 जो है बन के आने वाला है। और गाइस अगर बात करते हैं Realme X7 Pro की तो वो वही फोन होने वाला है जो कि चाइना में जो है Realme X7 Pro लॉन्च हुआ था, वही फोन इंडिया में आने वाला है। मतलब X7 Pro के अंदर जो है कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर Realme X7 की बात करते हैं तो वो जो है मॉडल मतलब रीब्रांड V15 को X7 के नाम से यहां पे जो है रीब्रांड कर दिया है। गाइस बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के डिटेल में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन के डिजाइन, डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो गाइस आपको जो है ये डिजाइन मिलेगा Realme X7 का एंड ये डिजाइन है Realme X7 Pro का। गाइस यहां पे जो है डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है इन दोनों ही फोन का, लेकिन आपको कलर में आपको जो है डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर बैक डिजाइन की बात करते हैं तो दोनों ही फोन के जो कलर हैं वो बहुत ही शानदार और अच्छे बनाए गए हैं। जो कि यहां पे डेयर टू लिप लिखा हुआ है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर कलर की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर कलर है एंड अच्छा लग रहा है कलर। हो सकता है कि डेयर टू लिप लिखा हुआ जब हाथ में आए तो जो है और ऑसम लगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की। तो आपको जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि है पंच होल स्क्रीन। साइज की बात करते हैं 6.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा सुपर एमोलेड Realme X7 के अंदर, जो कि होगा 60 हर्ट्ज के साथ में। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो वो है 600 निट्स तक। इसका मतलब यह है कि 600 निट्स और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, मतलब एक ऑसम परफॉर्मेंस आपको जो है डिस्प्ले का देखने को मिलेगा Realme X7 के साथ में। गाइस वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पे Realme X7 Pro की तो 6.55 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो कि होगा सुपर एमोलेड स्क्रीन, लेकिन आपको यहां पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब है 120 हर्ट्ज आपको जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट Realme X7 Pro के अंदर। मतलब डिस्प्ले वाइज एंड डिजाइन वाइज दोनों ही फोन जो है बहुत ही शानदार बनाए गए हैं। गाइस दोनों ही फोन का डिजाइन डिस्प्ले तो हमने देख ही लिया है, लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। जितना अच्छा ये डिजाइन और डिस्प्ले के अंदर है उतना ही अच्छा ये परफॉर्मेंस के अंदर है। Realme का ये पहला फोन है जो कि दोनों ही फोन का जो परफॉर्मेंस होने वाले ना वो बहुत ही शानदार होने वाले हैं। और इस चिपसेट के साथ में ये दोनों ही फोन जो है 5G बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है फ्यूचर के लिए देख रहे हैं फोन, अगर आपको जो है 1.5 साल 2 साल 3 साल यूज करने हैं तो ये जो डिवाइस है ना वो आपके लिए बेटर हो सकते हैं। गाइस वहीं अगर जो है सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Realme X7 के अंदर जो है 2 कोर काम करते हैं 2.4 GHz पे एंड 6 कोर काम करते हैं 2.0 GHz पे। अगर हम बात करते हैं Realme X7 Pro के सीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में तो वहां पर जो है 4 कोर काम करते हैं 2.6 GHz पे एंड 4 कोर काम करते हैं 2.0 GHz पे। इसका मतलब यह है कि दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस में ना बहुत ही ज्यादा फर्क आपको जो है देखने को मिलेगा Dimensity 800U एंड Dimensity 1000 प्लस के अंदर। जब हमारे पास आ जाएगा 4 फरवरी के बाद में तो हम जो है जरूर से एक यहां पे कंपैरिजन करेंगे, साथ में कैमरा रिव्यू करेंगे। अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड है तो आप जो है चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हां गाइस अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। जहां पर दोनों ही फोन के अंदर कैमरा यूज किया गया है वो है मेन कैमरा 64MP का, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिलेगा। हम तो जो है डिटेल कैमरा रिव्यू जरूर से करेंगे, लेकिन एक परफॉर्मेंस वाइज में आपको एक अच्छा देखने को मिल सकता है। जहां पर सेकेंडरी कैमरे की बात करते हैं तो वो है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज एंड थर्ड वाला जो कैमरा है वो है मैक्रो लेंस जो कि है 2MP के साथ में। लेकिन जो फोर्थ वाला कैमरा है वो आपको जो है Realme X7 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ओनली वो होगा डेप्थ लेंस। इसका मतलब यह है कि Realme X7 के अंदर जो है डेप्थ लेंस नहीं दिया गया है, और उसमें पोर्ट्रेट शॉट आप कैसे कैप्चर कर पाओगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ऑप्टिमाइज किया गया है पोर्ट्रेट शॉट को कैप्चर करने के लिए। वहीं अगर फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 16MP का आपको जो है Realme X7 के अंदर कैमरा मिलेगा एंड 32MP का जो है Realme X7 Pro के अंदर मिलेगा।
गाइस अगर बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों ही फोन में जो है सुपर एमोलेड स्क्रीन यूज करके है, इसका मतलब जो है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं गाइस अगर बात करते हैं बैटरी की, 4310 की बैटरी आपको जो है रियलमी X7 के अंदर मिलेगी एंड 4500 की बैटरी रियलमी X7 प्रो के अंदर। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है दोनों ही जो बैटरी परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। चिपसेट के कारण जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जो है 10-15 मिनट का फर्क आ सकता है चिपसेट के कारण, लेकिन ऑलमोस्ट जो परफॉर्मेंस होने वाला है ना वो होगा 8.5 घंटे या फिर 8 घंटे का कुछ है, परफॉर्मेंस जो है इजीली से जो है देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस अगर बात करते हैं हम यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट की, इनबॉक्स में चार्जर मिलेगा आपको रियलमी X7 के जो कि होगा 50 वाट का चार्जर, लेकिन अगर बात करते हैं रियलमी X7 प्रो की तो 65 वाट का चार्जर 4500 mAh बैटरी के साथ में, जो कि हमने अभी रिसेंटली रियलमी 7 प्रो के अंदर देखा है। परफॉर्मेंस एक ऑसम आपको जो है देखने को मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 35-36 मिनट में जो है चार्ज कर देता है। और अगर कहीं बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियलमी X7 का जो प्राइस हो सकता है ना वो ऑलमोस्ट 17,000 rupees हो सकता है। हम ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो फोन जो है रियलमी वी 15 है जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है, वहां की करेंसी अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे अपने इंडियन में तो रियलमी वी 15 जो है 15,000 का लॉन्च हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो है लगभग 17,000 rupees का आसपास जो है लॉन्च हो सकता है। बात करते हैं रियलमी X7 प्रो की, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,000 के आसपास जो है इसका बेस वेरिएंट जो है लॉन्च हो सकता है, डेमोस्ट्रेटिंग 1000 प्लस वाला। यहां पर आपको बता दूं प्राइस डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 6,000 या फिर जो है 5,000 का तो रहने ही वाला है इन दोनों फोन के बीच में। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।